नमस्कार दोस्तों, आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे क्लास 10 के हिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर जो कि है द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। तो कैसे यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय हुआ, कैसे शुरुआत हुआ, इसके बारे में जानेंगे। तो जैसे ही सबसे फर्स्ट में जो चैप्टर हमारा स्टार्ट होता है, तो स्टार्ट होने के साथ ही एक आर्टिस्ट थे, फ्रेंच आर्टिस्ट, जिनका कि चार प्रिंट था उससे। तो फ्रेंच आर्टिस्ट जिनका कि नाम था फ्रेडरिक सोरियो, जिनका कि संसार के प्रति क्या विजन था, वो संसार को कैसा देखते थे, उसके बारे में उनके जो चारों प्रिंट हैं उसमें बताया गया है। तो ये जो प्रिंट उन्होंने बनाया था वो कब बनाया था, तो 1848 में बनाया था, जिनका कि एक सपना था कि हमारा संसार जो है किस तरीके का होना चाहिए, उसी स्वप्न को इन्होंने अपने पेंटिंग के थ्रू दिखाया था। उस पेंटिंग में बताया गया था कि जो हमारा संसार है वो डेमोक्रेटिक हो, सोशल रिपब्लिक हो, यानी कि प्रजातांत्रिक हो, समाज जो हो वो गणतांत्रिक हो, सोशल रिपब्लिक हो, यानी कि समाज के जो लोग हैं वो अपने प्रतिनिधि को चुने। तो इस तरीके का व्यू था हमारे जो उस समय फ्रेडरिक सोरियो थे, जो फ्रेंच आर्टिस्ट थे उनका। तो ये जो द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप जो चैप्टर है, इसमें बहुत सारे जो ऐसे पार्ट्स हैं जो कि क्लास 9th का जो हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर था द फ्रेंच रेवोल्यूशन, उससे जुड़ा हुआ है, उससे रिलेटेड है। तो अगर आपको वो 9th का अगर कुछ पार्ट जानना है, तो पिछले वीडियो में मैंने 9th का द फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में बना दिया है वीडियो, उसमें आप जा करके देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं उनका क्या क्या राय था, उस पेंटिंग में क्या क्या था, तो उस पेंटिंग को प्रिंट को डिस्क्राइब करते हैं। तो फर्स्ट जो प्रिंट था वो दिखा रहा था कि यूरोप और अमेरिका के जो लोग हैं वो बहुत दूर से मार्च करते हुए आ रहे हैं, और जब वो स्टैचू ऑफ लिबर्टी के पास पहुँचते हैं, वहाँ से पास करते हैं, तो वहाँ थोड़ा देर ठहर जाते हैं। और जो स्टैचू ऑफ लिबर्टी है वो एक फीमेल फिगर है, उस समय भी में भी था, उनका जो फिगर था, जो प्रिंट था उसमें दर्शाया गया था कि वो एक फीमेल फिगर है, यानी कि एक महिला है, जिनके एक हाथ में एक टॉर्च है जो कि इनलाइटमेंट कर रहा है, लोगों को प्रकाशित कर रहा है, उनको जागृत कर रहा है, और दूसरे हाथ में एक किताब है जो कि संविधान है, इंसानों का संविधान है कि उनका समाज किस तरीके से होना चाहिए। तो वही वो महिला दर्शा रही थी, जिसका कि नाम है स्टैचू ऑफ लिबर्टी। दूसरी तरफ दिखाया जा रहा था कि आगे आने वाले समय में हमारा जो अर्थ है वहाँ से जितने भी एब्सोल्यूट जो इंस्टीट्यूशन है, यानी कि निरंकुश जो संस्थान है, उसको ध्वस्त कर दिया जाएगा, वो कुछ भी नहीं रहेंगे, सारे के सारे जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। और सोरियो का जो व्यू था, उनका जो विजन था, उसमें दिखाया गया कि जो भी देश के लोग हैं, अलग अलग जो संसार में अलग अलग जो लोग हैं, उनको केवल पहचाना जाता है कैसे, तो उनके ध्वज से, यानी कि उनके झंडे से, और उनका जो राष्ट्रीय जो लिबाज है, जो कॉस्ट्यूम है, उससे पहचाना जाता है। उनका जो प्रोफेशन था, उस उनके जो प्रिंट थे उसमें जो जुलूस दिखाया गया था, उसमें बहुत सारे लोग थे, जैसे कि यूनाइटेड स्टेट के थे, स्विट्जरलैंड के थे, उनके साथ फ्रांस के, जर्मनी के साथ ऑस्ट्रिया के लोग भी थे, किंगडम ऑफ टू सेल्सिस के लोग थे, लेम्बार्डी के थे, पोलैंड, इंग्लैंड, आयरलैंड, हंगरी और रसिया, यानी सभी लोग उस स्टैचू ऑफ लिबर्टी के नज़दीक में, मतलब उसके नीचे एकत्रित हुए थे। किस लिए? तो रिपब्लिक के लिए, अपने कंट्री को आज़ाद कराने के लिए। और उस उनके प्रिंट में एक चीज़ और दिखाया गया था कि ऊपर हेवन से, यानी कि स्वर्ग से, जो भी क्रिस्ट हैं, सैंट्स हैं, जो पुजारी हैं, जो एंजल हैं, मतलब क्रिश्चियन में जो एंजल होते हैं, वो लोग ऊपर से उस दृश्य को देख रहे हैं, निहार रहे हैं। और आर्टिस्ट ने यह भी दिखाया कि जो सिंबल है वो बंधुत्व को दिखा रहा है, यानी कि जितना भी जो संसार है, संसार के जो भी लोग हैं, वो बंधुत्व हैं, यानी कि एक हैं, एक साथ मिल करके अपने एक कार्य के लिए एक जगह एकत्रित हुए हैं, क्योंकि बहुत सारे अलग अलग देशों के लोग वहाँ पे एकत्रित थे। तो उनके पेंटिंग में ये सारा चीज़ दिखाया गया है, सोरियो के जो पेंटिंग था, फ्रेडरिक सोरियो के उसमें। और 19th सेंचुरी के समय में क्या हुआ था कि नेशनलिज्म, यानी कि राष्ट्रवाद जो है, वो बहुत ही तेज़ी से उभर करके आया था, जिसमें कि बहुत सारा बदलाव आया लोगों के, यूरोप जो थे, यूरोप के लोगों के पॉलिटिकल व्यवहार में, उनका दिमाग भी बहुत ज़्यादा चेंज हुआ था नेशनलिज्म को लेकर के, यानी कि वो लोग सोच रहे थे कि हमारा जो देश है वो नेशनलिस्ट हो जाए, यानी कि राष्ट्रवाद हो जाए, यहाँ जो लोग हैं उनको जो दबाया जा रहा है वो सारा चीज़ ना हो, वो स्वतंत्र हों, फ्री हो जाए, इंडिपेंडेंस उनको मिल जाए। तो द
उसके बाद क्या हुआ कि इस इमर्जेंस के कारण पूरा नेशन स्टेट का में बहुत सारा बदलाव आया, तो बदलाव बहुत सारे बदलाव आए। उसके बाद हम पढ़ेंगे फ्रेंच रेवोल्यूशन और नेशन का किस तरीके से विचार आया था, तो फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन। तो 1789 में नेशनलिज्म जो था वो फ्रेंच रेवोल्यूशन के साथ आया, जिसके कारण क्या हुआ कि पॉलिटिकल और कॉन्स्टिट्यूशनल बहुत सारे चेंज हुए, संविधान में भी चेंज हुए, राजनीति में भी बहुत सारे बदलाव आए। और इसका उद्देश्य क्या था, फ्रेंच रेवोल्यूशन का जो उद्देश्य था वो ये था कि मोनार्ची से, यानी कि वहाँ का जो राजा है उससे जो सॉवर्जिनिटी है यानी कि स्वतंत्रता ले करके फ्रेंच के जो सिटीजन हैं उनके हाथों में दे दिया जाए, ताकि लोग जो हैं वो स्वतंत्र हो जाएं, यानी कि मोनार्ची का जो पावर था उसको लिमिट करना था, उसके पावर को ख़त्म करना था एक तरीके से हम मान लें, जिसमें कि बहुत सारे निर्णय लिए गए, बहुत सारे प्रैक्टिसेज, बहुत सारे क्रियाकलाप हुए, बहुत सारे कार्य हुए, जिसमें कि लोगों को समझाया गया कि आप अपने फादरलैंड को समझें, अपने देश को समझें कि हाँ ये जो देश है आपका है और आप यहाँ के नागरिक हैं। जिसके कारण जिसके बाद क्या हुआ कि नया फ्रेंच फ्लैग आया, यानी कि फ्रांस का नया झंडा आया जो कि ट्राई कलर था, और पुराने वाले झंडे को हटा दिया गया, तीन रंग का वहाँ का भी झंडा है। उसके बाद डेमोक्रेसी जो है वो नेपोलियन के द्वारा कुछ समय बाद, नेपोलियन जब वहाँ आया तो जो भी वहाँ का प्रजातंत्र जो कुछ दिनों तक चला था, कुछ सालों तक, उसको हटा दिया गया नेपोलियन के द्वारा, और एक सिविल कोड 1804 लागू किया गया जिसको कि नेपोलियन कोड के नाम से भी जाना जाता है। और इस सिविल कोड के हिसाब से था क्या कि जो भी जन्म से लोगों को प्रिविलेज दिया जाता है, यानी कि जन्म से ही उनको एक विशेषाधिकार दिया जाता है कि जैसे कि राजा है मोनार्ची के अगर बेटे हैं तो वो आगे चल करके राजा बनेंगे, तो ये सारे चीज़ को हटा दिया गया, यानी ये जो प्रिविलेज था उसको ख़त्म कर दिया गया। किसके द्वारा, तो नेपोलियन के द्वारा। उसके बाद लॉ के प्रति, मतलब जो कानून है वो सबके लिए समानता, ऐसा नेपोलियन ने एस्टेब्लिश किया, और सभी को अपना प्रॉपर्टी का अधिकार होना चाहिए, यानी जिसका भी प्रॉपर्टी है वो उन्हीं का होगा, कोई उससे छीनेगा नहीं, तो ये सब सिक्योरिटी था। तो नेपोलियन जब आया तो लोगों को लगा कि ये बहुत ही अच्छा शासन करेगा, और ऐसा लोग सोच रहे थे कि वो इंडिपेंडेंस हो गए यानी कि स्वतंत्र हो गए हैं। लेकिन धीरे धीरे हुआ क्या कि नेपोलियन का जो आर्मी था वो अगल बगल के जो देश थे उस पर हमला करना शुरू कर दिया, कब्जा करना शुरू कर दिया, तब लोग जो थे नेपोलियन का विरोध करना शुरू कर दिए थे उसके बाद। तो ये फ्रेंच रेवोल्यूशन था। उसके बाद कैसे जो यूरोप था वो नेशनलिज्म बना, कैसे किस तरीके से वो राष्ट्रवाद हुआ, तो जर्मनी, इटली और स्विट्जरलैंड जो थे वो अलग अलग राज्य में विभाजित थे, इसमें डचीज, कैंटन्स जो थे, और वहाँ के जो रूलर्स थे जो स्वतंत्र थे, मतलब एक शासन नहीं था जो सभी जगह शासन करता था, सभी जो रूलर्स थे वो स्वतंत्र थे, एक दूसरे से अलग अलग थे। अब किस तरीके से अमीर वर्ग आए और नया मिडिल क्लास का उदय हुआ, तो ये सब फ्रेंच रेवोल्यूशन में ही हुआ था। तो अमीर वर्ग जो थे उस समय प्रभुत्व थे, यानी कि उनका संप्रभुता था, वही मेन माने जाते थे, क्योंकि उनके पास क्या था, पैसा था। इसी कारण से वो पॉलिटिकल में भी और सोशली, मतलब समाज में भी उनका जो दर्जा था वो ऊंचा था, और राजनीति में भी वो बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते थे क्योंकि वो अमीर थे। और जबकि बहुत सारा जो जनसंख्या था वहाँ का वो खेतिहर मजदूर थे, यानी कि खेती किसानी करने वाले लोग थे। उसके बाद इंग्लैंड में 18th सेंचुरी के सेकेंड हाफ तक इंडस्ट्रियलाइजेशन का भी शुरुआत हुआ, यानी औद्योगिकरण का शुरुआत हो गया था, नए सोशल ग्रुप बनकर तैयार हुए। अब नए जो ये सामाजिक ग्रुप थे जो कि एरिस्टोक्रेसी से बिल्कुल अलग थे, अमीर वर्ग से अलग थे, उनमें कौन थे, तो वर्किंग क्लास पॉपुलेशन, यानी कि जो काम करने वाले जो लोग थे, जो जनसंख्या जो कि काम करते थे इंडस्ट्री में या फिर कहीं भी, वो थे। उसके बाद मिडिल क्लास के लोग थे, और बहुत सारे इन सब को मिला करके बहुत सारे इंडस्ट्रियलिस्ट बन करके आए, यानी कि बहुत सारे हमारे औद्योगिक जो लोग थे, यानी कि उद्योग धंधा स्थापित करने वाले, वो लोग अब इमर्ज करके आए एरिस्टोक्रेसी के अलावा। ये लोग अब इनका जो उदय था वो बढ़ना शुरू हो गया, यानी कि ये लोग आगे आना शुरू हुए क्योंकि बिजनेस करना शुरू कर दिए, तो ये बहुत सारे बिजनेसमैन भी आए, बहुत सारे प्रोफेशनल भी आए। तो इस टाइम में 18th सेंचुरी के हाफ में इन सारे लोगों का उदय हुआ, यानी कि ये सब लोग अब पहचाने जाने लगे कि हाँ ये लोग भी कोई हैं। उसके बाद अब
जो लिबरल नेशनलिज्म था उसका मतलब क्या था कि क्या है लिबरल नेशनलिज्म। तो लिबरल का मतलब होता है लैटिन में फ्री, यानी कि स्वतंत्र। तो लिबरल नेशनलिज्म यानी कि हमारा जो नेशन हो वो बिल्कुल स्वतंत्र हो, यहाँ पे सभी को वोट देने का अधिकार हो और जो लोग भी चुने। लेकिन हुआ क्या था कि वोट देने का अधिकार सभी को नहीं था। तो अधिकार किनको था? तो केवल उन्हीं पुरुषों को जिनके पास अपना संपत्ति है, अपना प्रॉपर्टी है, उन्हीं को वोट देने का अधिकार दिया गया। और पुरुष और वैसे महिलाएं जिनके पास कोई संपत्ति नहीं है अपना, उन्हें वोट देने का अधिकार नहीं था। उसके बाद 1834 में एक पर्सिया के द्वारा इनिशिएटिव किया गया, एक शुरुआत किया गया जिसमें कि बहुत सारे जर्मन स्टेट भी शामिल हुए। अब ये प्रथा क्या था कि जो टैरिफ बैरियर है उसको बंद कर दिया जाए और जो करेंसी था वहाँ चलने वाला जो नोट था वो लगभग 30 से भी ऊपर नोट चलता था उसको कम करके अब केवल 2 नोट ही यहाँ चलेगा। तो इस तरीके का प्रथा शुरुआत किया गया जिसमें कि पर्सिया को ज्वाइन किया था जर्मन का बहुत सारा स्टेट और टैरिफ बैरियर भी लगा दिया गया। अब नया कंजर्वेटिज्म 1815 के बाद एक कंजर्वेटिज्म, कंजर्वेटिज्म का मतलब होता है संरक्षण, यानी कि जो लोग हैं वो अपने पुराने जो उनका जो संप्रदाय है, उनका जो कस्टम है, उसको किस तरीके से संजो कर रखें। तो ये नया शुरुआत हुआ। तो 1815 में यूरोपियन गवर्नमेंट जो थे वो कंजर्वेटिज्म का स्पिरिट लेकर के आए। उन्हें लगा कि अगर कंजर्वेटिज्म का स्पिरिट लेकर के आएंगे लोगों के बीच में तो लोग उनसे जुड़ेंगे। तो कंजर्वेटिज्म का बिलीव था कि जो मोनार्ची हैं, जो राजा हैं, जो चर्च हैं या फिर समाज में जिनको ऊंचा ओहदा दिया जाता है पहले से ही, उसके बाद प्रॉपर्टी हो गया, ये इन सबको प्रिजर्व करके रखना चाहिए। यानी फैमिली का जो प्रॉपर्टी हो गया सबको प्रिजर्व यानी संरक्षित करके रखना चाहिए। यदि अगर इन लोग को हम लोग भूल जाएंगे तो हमारा बहुत बड़ा नुकसान होगा। उसके बाद जो मॉडर्न आर्मी था वहाँ का, उसके बाद जो नौकरशाह लोग थे यानी कि सरकार में जो काम करने वाले लोग थे, और डायनेमिक इकोनॉमी, ये सब फेडरलिज्म का एवोल्यूशन कर रहे थे, यानी कि उसको क्या कर रहे थे कि उसको रोक रहे थे। और उनको लग रहा था कि होगा क्या कि जब ये मॉडर्न आर्मी हो गया उसके बाद यहाँ के जो नौकरशाही लोग हैं ये लोग अगर आगे बढ़ जाएंगे तो हमारे जो अमीर लोग हैं यूरोप के जो कि अब राज कर रहे हैं यूरोप में, उनको ताकतवर बना दिया जाएगा। और जो हमारा पुराना प्रथा है जिसमें कि हम लोग मोनार्ची को, चर्च को और अपने प्रॉपर्टी को प्रिजर्व करना चाहते हैं, उनको बचा करके रखना चाहते हैं, वो हमारा ख़त्म हो जाएगा। यानी कि उनका मानना था कि जो हमारा सभ्यता है पुराना वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। तो इस कारण हुआ क्या कि अब यूरोपियन जो पावर था उसका रिप्रेजेंटेटिव थे, यूरोपियन पावर जो थे वो रिप्रेजेंटेटिव थे सबके 1815 में, वो लोग एक जगह इकट्ठा हुए। तो कहाँ? तो ब्रिटेन, इसमें कौन कौन से लोग शामिल थे? सब लोग इकट्ठा हुए वाइना में, वियना में। और इनमें शामिल थे ब्रिटेन के लोग, रसिया, पर्सिया और एस्ट्रिया, वो सब एक सेटलमेंट ड्रॉ किए यूरोप में, यूरोप के लिए एक सेटलमेंट ड्रॉ किए। उसके बाद जो बर्बन डायनेस्टी था उसको फिर से सत्ता में लाया गया और फ्रांस जो था वो अपने जो उसके राज्य थे उसको खो दिया। और खोने के बाद जो नेपोलियन के अंदर उनका जो राज था वो सब का सब छीन लिया गया। किसके द्वारा? तो बर्बन डायनेस्टी के द्वारा। और बर्बन डायनेस्टी जो थे वो फिर से सत्ता में आ गए। बहुत सारे जो लिबरल नेशनलिस्ट के इशू थे, बहुत सारे इशू थे जैसे कि नए कंजर्वेटिव ऑर्डर, उसके बाद फ्रीडम टू उनका था फ्रीडम ऑफ द प्रेस यानी कि कोई भी चीज़ को छापने का फ्रीडम, इन सबको हटा दिया गया। उसके बाद रिवोल्यूशनरीज यानी कि क्रांतिकारी। तो 1815 में एक सीक्रेट सोसाइटी बनाया गया बहुत सारे यूरोपियन स्टेट के द्वारा, जो कि क्या कर रहा था कि क्रांतिकारी को ट्रेन करना था उनको, कि क्रांतिकारी को ट्रेन किया जाए और इन सारे विचारों को लोगों तक फैलाया जाए। तो ये जो रिवोल्यूशनरी थे यानी कि जो क्रांतिकारी लोग थे वो मोनार्चियल यानी कि राजा का जो फॉर्म्स था, उसका जो नियम था, उसका विरोध करते थे। और वो लड़ते थे किस लिए? तो उन्हें क्या चाहिए था? आज़ादी चाहिए था। आज़ादी के लिए जो क्रांतिकारी लोग थे वो अपना लड़ाई लड़ रहे थे। तो
तो जो इटली के जो क्रांतिकारी लोग थे, जैसे कि उनमें एक था गुस्सीपी मैजनी, जिसका जन्म हुआ था 1807 में गुनाओ में। उन्होंने दो अंडरग्राउंड सोसाइटी का गठन किया, पहला जो था जिसका नाम था यंग इटली इन मार्सेलीज, और दूसरा उन्होंने बनाया जिसका नाम था यंग यूरोप इन बर्नी। अब यंग यूरोप इन बर्नी जो बढ़ने जगह में बनाया गया था, उसमें कौन कौन से लोग शामिल थे, तो यंग माइंडेड यानी कि बिल्कुल युवा सोच वाले लोग शामिल थे, पुरुष शामिल थे। कहाँ कहाँ के, तो उसमें पोलैंड के, फ्रांस के, इटली के और जर्मन स्टेट के लोग शामिल थे, जो दो सीक्रेट सोसाइटी, अंडरग्राउंड सोसाइटी बनाया गया था गुसिपी मेजनी के द्वारा उसमें। उसके बाद जो रेवोल्यूशन यानी जो क्रांति का जो एज था, वो 1830 से लेकर के 1848 तक चला, यानी कि लगभग 18 साल। तो जुलाई 1830 में बॉर्बन किंग, जो फिर से नेपोलियन को हटा करके आए थे, उनको हटा दिया गया। किनके द्वारा? तो लिबरल रिवोल्यूशनरी, जो क्रांतिकारी थे, जो आज़ादी प्राप्त करने वाले लोग थे, उनके द्वारा। और उन्होंने एक अपना कॉन्स्टिट्यूशन, एक अपना संविधान लागू किया, जिसमें कि राजा बनाया गया था लुइस फिलिप को। लुइस फिलिप को इसका हेड बनाया गया और बोला गया कि हाँ, आप ही राजा बनेंगे। लेकिन उसके बाद जुलाई रेवोल्यूशन बहुत आगे बढ़ा, कहाँ तो ब्रुसेल में, और जिसके कारण बेल्जियम जो था वो यूनाइटेड किंगडम के नेदरलैंड से टूट करके अलग हो गया। और 1821 में ग्रीक जो था वो अपना स्वतंत्रता के लिए स्ट्रगल शुरू कर दिया कि हमें क्या चाहिए, तो आज़ादी चाहिए। उसके बाद लोगों के बीच में नेक्स्ट जो टॉपिक है वो रोमांटिक इमेजिनेशन और नेशनल फीलिंग, लोगों के बीच में सोच बढ़ाया गया। तो किस किस चीज़ का सोच? तो रोमांटिक इमेजिनेशन का, और राष्ट्र के प्रति राष्ट्र भावना का लोगों के अंदर सोच को बढ़ाया जाने लगा। तो वहाँ का जो सभ्यता था वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा था उनके राष्ट्र के बारे में सोचने के लिए, यानी कि जो सभ्यता था उसको विकसित करके लोगों को अपने सभ्यता के बारे में बताया जा रहा था, ताकि वो अपने राष्ट्र के बारे में सोचे। और किस किस प्रोसेस से, किस किस प्रक्रिया से यह सारा चीज़ समझाया जा रहा था? तो कला के माध्यम से, कविता के माध्यम से, कहानी सुना करके, म्यूजिक के हेल्प से भी, यानी कि गाना सुनाया जाता था, जिससे कि लोगों के अंदर अपने राष्ट्र के प्रति भावना जागृत हो, ताकि लोग ये जो नेशनलिज्म जो है उसमें, जो नेशनलिज्म का जो रिवॉल्ट है उसमें लोग शामिल हों, और अपने राष्ट्र के सेव को, मतलब राष्ट्र के निर्माण में लोग सहभागी बने। रोमांटिज्म जो था वो एक अलग कल्चरल मूवमेंट था, जिसका कि सोच क्या था कि इसके कारण लोगों के अंदर नेशनलिस्ट सेंटिमेंट जागेगा, यानी कि राष्ट्र के प्रति सोच जागेगा। वो राष्ट्र के प्रति सोचेंगे कि हमारा राष्ट्र भी ऐसा होना चाहिए। इसमें जो भाषा था वो बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले कर रहा था, जिसके कारण लोगों के अंदर राष्ट्रवादी जो सेंटिमेंट था वो जाग रहा था, उनके अंदर डेवलप हो रहा था। रशियन लैंग्वेज जो था सभी लोगों पे इम्पोज कर दिया गया था, थोप दिया गया था, जबकि वहाँ का जो भाषा था वो अलग अलग था। और 1831 में हुआ क्या कि एक विद्रोहियों का आर्मी खड़ा हुआ, किसके खिलाफ? तो रशियन रूल के खिलाफ। और अंत तक उन जो आर्म्ड रिबेलियन थे, जो विद्रोही लोग थे, उनको दबा दिया गया, क्योंकि आर्मी जो था वहाँ का रशियन का वो बहुत बड़ा था, और ये लोग जो रिवेलियन थे वो छोटे थे, उनका पास उतना पावर नहीं था, उनके पास उतना शक्ति नहीं था, जिसके कारण उन लोगों को दबा दिया गया। उसके बाद हुआ क्या कि हंगर यानी कि भूख, हार्डशिप यानी लोगों का जो जीवन था वो कठिनाई से जुड़ने लगा। और इसके बाद जो उनका क्रांति था वो और पॉपुलर हो गया, क्योंकि जो लोग कष्ट में होते हैं वो थोड़ा ज़्यादा पॉपुलर हो जाते हैं, आगे बहुत आगे बढ़ते हैं, जिनको कष्ट होता है वो बहुत आगे बढ़ते हैं। तो यूरोप जो था वो इकोनॉमिक हार्डशिप फेस कर रहा था, कब? तो 1830 में। 1830 में उसको आर्थिक बहुत कठिनाई आ रहा था। तो फर्स्ट हाफ, 19वीं सेंचुरी के फर्स्ट हाफ में ऐसा देखा गया कि यूरोप का जो जनसंख्या था वो बहुत हद तक, पॉपुलेशन वहाँ का बहुत हद तक बढ़ा, जिसके कारण जो फूड प्राइसेस था यानी कि जो जो भोजन का कीमत था वो बढ़ने लगा। और प्रत्येक साल जो वहाँ का फसल था वो धीरे धीरे खराब होने
होते जा रहा था, मतलब फसल उतना अच्छा नहीं हो पा रहा था, जिसके कारण शहरों के लोग, गांव के लोग जो थे वो धीरे धीरे गरीब होते जा रहे थे, यानी कि उनका जीवन जो था वो गरीबी में वो लोग जीने लगे थे। और 1848 तक फूड शॉर्टेज होने लगा, जिसके कारण यानी कि जो खाद्यान्न थे उनका कमी होने लगा, और रोजगार बेरोजगारी जो था वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया, जिसके कारण बहुत ज़्यादा जो जनसंख्या था पेरिस का वो सड़कों पर आ गया, क्योंकि उनके पास खाने पीने का कोई चीज़ नहीं था, रहते कहाँ, तो गरीबी बहुत ज़्यादा फैल गया था कहाँ, तो यूरोप में, उसके बाद पेरिस वगैरह में भी। उसके बाद जो रेवोल्यूशन था वो किस तरीके से लिबरल हुआ, यानी कि जो क्रांति था वो कैसे अब आज़ादी का मांग करने लगा, क्योंकि पहले जो था वो उस तरीके से आज़ादी वो लोग नहीं मांग रहे थे, अब जो था वो बिल्कुल लिबरल हो गया। तो 1848 में एजुकेटेड मिडिल क्लास के लोगों के द्वारा रेवोल्यूशन लीड करने लगे, यानी कि जो शिक्षित मध्यम वर्ग के लोग थे उन्होंने इसमें लीडर का भूमिका निभाया रेवोल्यूशन में। बहुत सारे पुरुष, महिलाएं जो थी मिडिल क्लास के, उन्होंने डिमांड करना शुरू कर दिया कि जो नेशन है वो पार्लियामेंट्री प्रिंसिपल पे चले, यानी कि संवैधानिक मूल्यों पर चले, जिसमें कि एक अलग संविधान हो, हमारे कंट्री का एक अलग संविधान हो, लोगों को स्वतंत्रता हो, प्रेस का फ्रीडम हो, उसके बाद संगठन बनाने का लोगों को फ्रीडम हो कि वो अपना संगठन बना सकें, वो कुछ भी अगर छापना चाहते हैं तो वो छाप सकें न्यूज़पेपर में, तो इस तरीके का उन्होंने मांग किया। बहुत सारे जो पॉलिटिकल एसोसिएशन थे वो एक साथ आए फ्रैंकफर्ट में, चूँकि सभी जर्मन का एक नेशनल असेंबली था जिसका कि नाम उन्होंने फ्रैंकफर्ट रखा था, और 18 मई 1848 को 831 इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, यानी 831 जो चुने हुए प्रतिनिधि थे वो मार्च करके गए कहाँ, तो फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में। और फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट वो कहाँ चलाना चाहते थे, तो संत पॉल का जो चर्च था वहीं पे वो लोग फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट चलाना चाह रहे थे। उसके बाद जर्मन नेशन के द्वारा कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया गया, कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया, जिसके कि हेड थे वहाँ के मोनार्ची, और वहाँ के जो शासक थे, जो पहले से जो राजा शासन कर रहे थे उन्हीं को हेड बना दिया गया। और इनका मेन उद्देश्य क्या था कि जो हमारा जो कंट्री है वहाँ का भी पार्लियामेंट हो, भले ही शासन आप करें लेकिन यहाँ का भी एक पार्लियामेंट होना चाहिए। और जो क्राउन था वो किनको दिया गया, मतलब किनको राजा बनाया गया, किनको मुकुट पहनाया गया, तो फ्रेडरिक विलियम फोर्ड जो थे उनको राजा बनाया गया, वो लोग ऑफर किए कि हाँ आप यहाँ का राजा बने। लेकिन जो पर्सिया के जो राजा थे, यानी कि ये जो फ्रेडरिक विलियम फोर्थ थे, उन्होंने इस बात को रिजेक्ट कर दिया, और बाकी जो भी राजा थे उनके साथ मिलकर के इन्होंने इस इलेक्टेड असेंबली का अपोज करना शुरू कर दिया, यानी कि उन्होंने इसका बहिष्कार कर दिया बाकी सारे राजाओं के साथ मिलकर, और उन्होंने भी बोला कि मैं भी यहाँ का राजा नहीं बनूंगा, आप लोग के जो चुना गया है उसका राजा नहीं बनूंगा। उसके बाद हुआ क्या कि बहुत सारे जो मिडिल क्लास जो लोग थे, जो कि पार्लियामेंट चाहते थे कि हमारे देश में भी पार्लियामेंट हो, जिसमें बहुत सारी महिलाएं भी शामिल हुई, और लिबरल मूवमेंट का शुरुआत हुआ। तो इस तरीके से लिबरल मूवमेंट शुरुआत हुआ जब किंग ऑफ पर्सिया जो थे वो राजा बनने से इनकार कर दिए, उनका हेड बनने से इनकार कर दिए, और उनके द्वारा जो चुने गए लोग थे उनका भी बहिष्कार शुरू कर दिए। उसके बाद हुआ क्या कि जो महिलाएं थी वहाँ की, उन्होंने अपना पॉलिटिकल एसोसिएशन बनाना शुरू कर दिया, यानी कि राजनीतिक संगठन महिलाओं का अलग होने लगा, उन्होंने अपना अलग न्यूज़पेपर शुरू कर दिया, और बहुत सारे पॉलिटिकल मीटिंग में भी उन्होंने भाग लेना शुरू कर दिया वहाँ की महिलाओं ने। लेकिन जब इलेक्शन हुआ असेंबली का, उस समय हुआ क्या था कि उनको बिल्कुल दरकिनार कर दिया गया था, यानी कि उनके लिए कुछ भी नहीं सोचा गया था, इस कारण से उन्होंने अपना पॉलिटिकल एसोसिएशन शुरू कर दिया। और 1848 के साल के बाद जो अमीर लोग, जो मोनार्चीज थे सेंट्रल और ईस्टर्न यूरोप में, उन्होंने बदलाव शुरू कर दिया, जिस तरीके से बदलाव 1815 में ही वेस्टर्न यूरोप में हो गया था, 1815 से पहले ही वैसा बदलाव इन्होंने सेंट्रल और ईस्टर्न यूरोप में भी करना शुरू कर दिया। इसके कारण
जो बॉन्डेड लेबर्स थे उनका विरोध होना शुरू हो गया हैंसबर्ग डोमिनेशन में और रसिया में, जो कि बंधुआ मजदूर जो एक तरीके से कहा जाता है उनका विरोध होना शुरू हो गया, मतलब अब बंधुआ मजदूर नहीं रहेंगे। नेक्स्ट जो है वो मेकिंग ऑफ जर्मनी और इटली, किस तरीके से जर्मनी और इटली जो था वो बनकर तैयार हुआ, उसका कैसे शुरुआत हुआ। तो जो जर्मनी था उसका बनाने के पीछे जो कारण था वो कौन बनाए थे, तो आर्मी। तो इसीलिए बोला जाता है कि कैन द आर्मी बी आर्किटेक्ट ऑफ अ नेशन, क्या कोई आर्मी जो है वो किसी राष्ट्र का निर्माण कर सकता है। तो ऐसा ही जर्मनी के साथ हुआ था, जर्मनी का जो निर्माण हुआ था वो वहाँ के आर्मी के द्वारा। तो 1848 में नेशनलिज्म जो था वो यूरोप में पूरा 1848 के बाद वो लगभग ख़त्म हो गया था। जर्मनी और इटली जो थे वो यूनाइटेड हो गए थे, यानी कि यूनिफाइड होकर के एक नेशन स्टेट बन गए थे। उसके बाद पर्सिया जो था वो इसका लीडरशिप यानी कि नेतृत्व कर रहा था इस क्रांति का, जिसमें कि जितने भी राष्ट्र थे सबको इकट्ठा होने के लिए कहा जा रहा था, सबको बोला जा रहा था कि आप लोग एक हो जाइए। और इसके जो आर्किटेक्ट थे यानी कि इसके जो बनाने वाले जो रचयिता थे वो थे वहाँ के चीफ मिनिस्टर ओटो वॉन बिस्मार्क, जिन्होंने ये सारा कार्य किया था। किसके मदद से, तो पर्सिया के आर्मी से और वहाँ के जो सरकारी दफ्तरों में काम करने वाले जो नौकरशाही लोग थे उनकी मदद से यूनिफिकेशन का काम कर रहे थे, लोगों को इकट्ठा सभी जो कंट्री था उसको इकट्ठा करना चाह रहे थे ताकि सब लोग एक हो करके इस युद्ध में लड़ें। तो हुआ क्या अब आगे कि 1871 के जर्मनी में पर्सियन किंग जो विलियम वन थे उनको जर्मन इम्पेरर बना गया दिया गया, यानी कि जर्मनी के शासक बना दिया गया। और एक असेंबली हेल्ड किया गया जिसमें कि नए जर्मन एम्पायर के बारे में बताया गया। तो ये जो प्रोसेस था नेशन बिल्डिंग का, जिसमें कि जर्मनी और इटली का इटली बनाया जा रहा था, वो बता रहा था कि जो पर्सिया है वो स्टेट पावर है, पर्सिया को डोमिनेंस किया गया यानी कि उनको आगे रखा गया, संप्रभुत्व बनाया गया। और जो नया करेंसी था, बैंकिंग था, लीगल था, जुडिशियल सिस्टम था जर्मनी का, उन सबको नया किया गया यानी मॉडर्नाइज किया गया। उसके बाद अब किस तरीके से, ये तो जर्मनी का यूनिफिकेशन हो गया, जर्मनी का किस तरीके से निर्माण हुआ। उसके बाद जो था कि जर्मनी का निर्माण के बाद इटली को किस तरीके से एकत्रित किया गया, क्योंकि इटली जो था पहले बहुत सारे अलग अलग पार्ट में बटा हुआ था। तो इटली जो था वो 7 अलग अलग स्टेट में बटा हुआ था मध्य 19वीं शताब्दी तक, जिनको कि सार्डिनिया पेडोमेंट के द्वारा रूल किया जा रहा था। जब वहाँ के जो राजशाही घर थे, राजशाही जो पैलेस थे, वो इन सब पर रूल कर रहे थे। और जितने भी क्षेत्र थे वहाँ के अलग अलग राजा थे। तो 1830 में हुआ क्या कि गिस्सुप्पी मिगनी एक सीक्रेट सोसाइटी बनाए जिसका कि नाम था यंग इटली। और उसके बाद जो क्रांति चलाया गया उसका जो लीडर थे, जो लीड कर रहे थे वो थे चीफ मिनिस्टर कैबोर। और 1859 में हुआ क्या कि सर्डियर पेबोनेंट जो थे वो डिफीट कर दिए ऑस्ट्रियन फोर्स को, ऑस्ट्रिया का जो सेना था उसको डिफीट कर दिए। और 1860 में वो मार्च किए साउथ इटली की ओर, उसके बाद फिर वहाँ से वो आगे बढ़े किंग ऑफ टू सिसिलीज की ओर। और उनका जो जीत का जो क्रम था उसको जारी रखे, और उनका समर्थन कर रहे थे वहाँ के जो लोकल खेती करने वाले जो लोग थे, जो खेतिहर मजदूर थे, वो उनका समर्थन कर रहे थे, जिसके कारण वो आगे जीतते चले जा रहे थे। और 1861 में हुआ क्या कि विक्टर यूमिनल टू जो थे वो यूनाइटेड इटली के राजा घोषित कर दिए गए, क्योंकि इटली जो था वो अलग अलग 7 राज्यों में बटा हुआ था, अब इटली जो था वो यूनाइटेड हो चुका था। उसके बाद अब ब्रिटेन का एक स्ट्रेंज केस आया, क्या विचित्र केस आया, तो ब्रिटेन जो था वो सभी राष्ट्रों के लिए एक मॉडल था, वो एक मॉडल बन के आया। और 18वीं शताब्दी से पहले ब्रिटेन जो था वो कोई नेशन नहीं था, यानी कि कोई राष्ट्र ब्रिटेन के नाम से था ही नहीं। उसके बाद हुआ क्या कि 18वीं शताब्दी के बाद वो पावर में आया, पावरफुल हो गया, और उसका जो वेल्थ था, उसका जो महत्व था, उसका जो शक्ति था, वो धीरे धीरे बढ़ने लगा। उसके बाद 1707 में एक यूनियन का एक्ट आया जिसमें कि इंग्लैंड और स्कॉटलैंड जो थे वो दोनों मिलकर के एक नए फॉर्मेशन हुआ,
एक नए राज्य का, जिसको कि कहा गया यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, जिसका मतलब क्या था कि इंग्लैंड जो है वो अपने प्रभुत्व को यानी कि अपने आप को इम्पोज किया कहाँ पे, तो स्कॉटलैंड पे, स्कॉटलैंड पे स्पोर्ट इम्पोज करके अपना शासन, और उसको भी अपने अंदर शामिल करके और एक नया राष्ट्र का निर्माण किया, एक नया राज्य बनाया जिसका कि नाम था यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। और जो नए ब्रिटेन का जो सिंबल था, जैसे कि नेशनल फ्लैग था ब्रिटेन का, वो ब्रिटिश फ्लैग, यूनियन जैक नया बनाया गया, वहाँ का नया नेशनल एंथम बनाया गया जो था गॉड सेव आवर नोबल किंग। उसके बाद इंग्लिश लैंग्वेज जो था उसको प्रमोट किया जाने लगा कि सभी लोग इंग्लिश लैंग्वेज को बोलें, उसका प्रचार प्रसार होने लगा। उसके बाद विजुलाइजिंग द नेशन, लोग जो थे उनका राष्ट्र को देखने का क्या नज़रिया था। तो 18वीं और 19वीं शताब्दी के समय आर्टिस्ट जो थे वो कंट्री को बहुत अलग अलग तरीक़ों से रिप्रजेंट करते थे, और उस समय कंट्री को रिप्रेजेंट किया जाता था पर्सन के तौर पे, यानी कि जो हमारा देश है वो एक व्यक्ति है, और व्यक्ति में भी कौन, तो महिला, महिला फिगर के रूप में राष्ट्र को दर्शाया जाता था। जैसे कि हम लोग का देश को ही माता के रूप में यानी महिला के रूप में दर्शाया जाता है, भारत माता। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन के समय हुआ क्या कि ये जो फीमेल फिगर था यानी कि महिला का जो मूर्ति था, जिसके रूप में देश को माना जाता था कि वो नारी के समान है, वो किस किस चीज़ का प्रतीक था, तो वो लिबर्टी का, लिबर्टी यानी कि आज़ादी का, जस्टिस यानी सभी को न्याय मिले, और रिपब्लिक का यानी स्वतंत्रता का प्रतीक था, गणतंत्रता का प्रतीक था। और लिबर्टी जो था वो रिप्रेजेंट किया जाता था रेड कैप से, यानी कि लाल रंग के टोपी से। उसके बाद ब्रोकन चेन, ब्रोकन चेन का मतलब भी लिबर्टी था। उसके बाद जो जस्टिस था, जो न्याय था, वो किसके द्वारा दर्शाया गया था, तो एक महिला थी जिसका कि आँख पे पट्टी बंधा हुआ था, और वो एक तराजू अपने हाथ में लिए हुई थी, जैसा कि हम लोग कोर्ट में देखते, कोर्ट में भी अभी भी वैसा रहता है कि एक महिला है जिसके हाथ में तराजू है और उसके आंखों पे पट्टी बंधा हुआ है, तो ये जस्टिस का सिंबल था। उसके बाद क्या हुआ कि नेशनलिज्म और इंपेरियलिज्म यानी कि राष्ट्रवाद और शाही, यानी कि जो वहाँ के शाही लोग थे, जो राजा के समय के लोग थे, उनका क्या हुआ शुरुआत, तो नेशनलिज्म जो था वो अब ज़्यादा बड़ा मुद्दा नहीं रह गया था, कब, 19वीं शताब्दी तक। और 1871 के बाद बहुत सारे टेंशनड एरिया निकल के आए, जिनका कि उनमें से एक थे बलकान, जो कि बिल्कुल टेंस्ड हो गए थे, बिल्कुल टेंशन में आ गए थे, तनाव में, जो कि उनमें अभी कौन कौन, बालकान का जो एरिया है अभी किस किस जगह के नाम से जाना जाता है, तो मॉडर्न डे में वो है रोमानिया, बुल्गारिया, अल्बानिया, ग्रीस, मैकेडोनिया, क्रेटिया, बेसोना, हर्जेगोविना, स्लोवेनिया, सर्बिया और मॉन्टेनेग्रो। ये सब जो था, इन सब को बालकान्स के नाम से जाना जाता था, और ये मोस्ट टेंशनड एरिया था, यानी बहुत ज़्यादा तनाव वाला, यानी यहाँ बहुत ज़्यादा लड़ाई युद्ध होते रहता था। तो ओटोमन एम्पायर जो थे उनको बलकान के क्षेत्र को बहुत ज़्यादा एक्सप्लोसिव बना दिया, ओटोमन एम्पायर जो थे वहाँ के जो बलकान का क्षेत्र था उसको बिल्कुल विस्फोटक, यानी कि वहाँ बहुत ज़्यादा लड़ाई वगैरह होते रहता था, और जिसके कारण 19 सेंचुरी में उन लोगों को ताकत मिला, वो खुद को इकट्ठा करके अपने आप को स्ट्रेंथन किए, और मॉडर्नाइजेशन और इंटरनल रिफॉर्म्स उनमें चालू हो गया। मतलब किस तरीके से वो एक दूसरे को, अपने आप को इकट्ठा किए, तो मॉडर्नाइजेशन के मदद से, यानी कि वो लोग भी अब मॉडर्न हो रहे थे और उनके अंदर भी रिफॉर्म्स जाग रहे थे, विद्रोह का भावना जाग रहा था, जिसके कारण बहुत सारे युद्ध हुए, कॉन्फ्लिक्ट्स हुए बलकान में, और जो बलकान का एरिया था वो बहुत ज़्यादा युद्ध होने वाला क्षेत्र के नाम से जाना जाने लगा। और इसी पीरियड में हुआ क्या कि विरोध इतना ज़्यादा हो गया यूरोपियन पावर के खिलाफ, उसके बाद वो यूरोपियन जो ट्रेड था उसके खिलाफ, यानी कि वहाँ वो जो व्यापार करते थे उसके खिलाफ भी लोग विरोध शुरू कर दिए, यूरोपियन कॉलोनीज के खिलाफ विरोध शुरू कर दिए, और यहाँ तक कि यूरोप के जो नेवी थे, वहाँ के जो मिलिट्री थे, उन सब से लोगों ने युद्ध करना शुरू कर दिया। और ये युद्ध इतना ज़्यादा हो गया कि फाइनली ये युद्ध फर्स्ट वर्ल्ड वार का शेप ले लिया, और 1940 में यूरोप जो था वो बिल्कुल बहुत ज़्यादा डिस्ट्रेस हो गया, और किसके कारण, तो नेशनलिज्म के कारण, और जो इम्पीरियलिज्म था वो ख़त्म हो गया। तो नेशनलिज्म के कारण जो यूरोप था वो डिस्टार्ड हो गया,
उसके बाद एंटी इम्पेरियल मूवमेंट हुआ, यानी कि शाही जो लोग थे उनके खिलाफ बहुत सारा आंदोलन शुरू हुआ, जिसके कारण अब जो लोग थे वो इंडिपेंडेंस का मांग करने लगे कि उनका जो नेशन है वो उन्हें आज़ाद चाहिए। लेकिन जो आइडिया था नेशन स्टेट का वो एक्सेप्टेड था नेचुरल और यूनिवर्सल के द्वारा, क्योंकि ये जो उनका आइडिया था वो प्राकृतिक था और जो भी संसार में आया है वो फ्री होना चाहिए। इस कारण से उनके जो आइडिया थे उनको सभी लोग समर्थन दे रहे थे। तो यहाँ हमारा जो फर्स्ट चैप्टर था हिस्ट्री का वो समाप्त होता है। आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।